अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। बेटा, जैसे कि आजकल के हालात आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अब से आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है बेटा? तब आप लोग के मिड टर्म कम्प्लीट हो गए और अब आपका फाइनल टर्म स्टार्ट हो गया है। तब आप लोग करेंगे क्या अभी, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, जब आपका मिड टर्म का सिलेबस जहाँ पे कम्प्लीट हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे? फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे? इंडेक्स बनाएंगे, जैसे आप बनाते हैं हमेशा, सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, टीचर सिग्नेचर, इस तरह से आप अपना इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है? अब ये इंडेक्स कितने पेजेस पे बनाएंगे? ये आप बनाएंगे 4 पेजेस पे, सही है? जब आप इंडेक्स बना लेंगे तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सिलेबस फॉर फाइनल टर्म, सिलेबस लिखेंगे यहाँ पे आप। ये पेज आप अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा, तो वो फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे अपने चैप्टर नंबर 1 जो है आपका फ्रैक्शन, इसका टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है? अब फ्रैक्शन जो है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस की तो आप कर चुके हैं कि दो फ्रैक्शंस को आपस में जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आज अब आप सीखेंगे कि 3 अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो हम उन्हें किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो अब जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं पेज नंबर 41 पे, ठीक है? पेज नंबर 41 पे आएँ जल्दी से, और इसका देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई और एफ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है? और जी और एच, ये आप लोगों का टास्क है कि ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है बेटा? ई और एफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जी और एच आप लोग करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई पे, ठीक है? तब आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई, ठीक है? इसमें क्या है, 3 फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हैं, ठीक है? जब भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शंस में हो और आपस में वो क्या हो रहे हो, प्लस या फिर माइनस, तब आप लोग क्या करते हैं इसमें, फिर इसमें हम करते हैं एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स जो होते हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है बेटा? तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले 5, 7 और 2 का। तो हम यहाँ पे, मैंने अब इसका एलसीएम लिया, 2 1 2 5 और 7 ऐसी रहा, 5 1 5 7 ऐसी रहा, 7 1 7। अब यहाँ लास्ट हमारा तीनों पे 1 आ गया, इट मीन्स हमने इसका ले लिया फैक्टर्स। तो अब एलसीएम क्या आया, 2, 5 और 7। तो अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 10 7 70। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 70, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम इन डिनोमिनेटर्स की जगह क्या लेंगे, ये एक सिंगल डिनोमिनेटर हमारा होगा जो कि हमारा एलसीएम आया था, ठीक है? अब यहाँ हमने ले लिया 70। अब हम इसको ऊपर नंबर्स किस तरह से लिखेंगे, अब आप देखें 70 जो हमारे पास आया है इसका डिनोमिनेटर, और हम ये ऊपर वाले नंबर के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है? अब आपने देखना क्या है, अब 5 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है। अब आपने अगर ये फाइंड करना है कि 5 के टेबल पे 70 किस नंबर पे आता है, तो आप क्या करेंगे, 5 को 70 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमने इसको 5 को 70 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 14। यानी 5 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, 14 पे, यानी 5 14s are 70, ठीक है? तब हमने फाइंड किया कि 5 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, 14 पे। तो यहाँ हमने लिखा 14 और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से। ये 4 कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास जो 5 का न्यूमरेटर था ये वो 4 है, ठीक है? ये वाला 4 है जो 5 का न्यूमरेटर था। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है? अब फिर क्या है, प्लस का साइन, तो हमने यहाँ प्लस लिखा। अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, 7 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, 10 पे। तो हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 6 से। अब ये 6 कहाँ से आया, 7 का जो न्यूमरेटर था वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, सही है? अब इसके बाद फिर प्लस का साइन, 2 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, अब इसके लिए हमने अगेन क्या किया, डिवाइड करके चेक किया, तो हमें पता चला 2 के टेबल में 70 किस नंबर पे आता है, 35 पे। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया, 35, और ऊपर न्यूमरेटर क्या था 2 का, 1, और हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है?
जब हमने 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 56. तो हमने यहाँ 56 लिखा, प्लस का साइन एससी आ गया. 6 टेन्स आर 60 प्लस 35 वन्स आर 35 अपॉन 70, ऐसे ही आ गया. ठीक है, अब हम करेंगे 56, 60 और 35 को प्लस. ठीक है, जब हमने इन तीनों नंबर्स को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 151, यानी 151. तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 151 अपॉन 70. अब ये जो हमारे पास डिवाइड में आया है, हम इसको और डिवाइड कर सकते, तो हमने यहाँ पे अब डिवाइड किया. ठीक है, 70 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 140, यानी 151 से छोटा. तो अब हमने क्या लिया, 72 = 140. जब माइनस किया तो हमारे पास नीचे रिमाइंडर में क्या बचा, 11. अब जब हमारे पास रिमाइंडर बचा तो इसका फाइनल आंसर हमारा किस फ्रैक्शन में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, ऊपर का जो हमारे पास ये नंबर था ये हमारा क्या हुआ, होल नंबर, और जो नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर, और जो हमारा ये नंबर जो था 70 वो हमारा क्या आ गया वापस, डिनोमिनेटर. तो ये 2 होल नंबर 11 upon 70, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर. ठीक है बेटा, अभी हमने देखा इसका पार्ट ई, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ पार्ट एफ, जो के है 9 होल नंबर 1 upon 10 प्लस 3 होल नंबर 1 upon 5 प्लस 4 होल नंबर 1 upon 15. ठीक है, तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. यानी इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे. तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, जो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो होल नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर क्या हो जाता है, प्लस. ठीक है, अब यानी 9 टेन्स आर 90, 90 प्लस 1 91, 3 फाइव्स आर 15, 15 प्लस 1 16, 4 15 फोर्स आर, अब देखें यहाँ पे 15 फोर्स आर क्या होता है, 60. ये इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 15 फोर्स आर 60, 60 प्लस 1 61. तो ये क्या आ गया, हमने जब प्लस किया तो न्यूमरेटर हमारा हो गया 91 और डिनोमिनेटर जो थे इनके हमारे वो वही रहेंगे. ठीक है, तो ये जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो हमारा आ गया 91 upon 10, 3 होल नंबर 1 upon 5 को सॉल्व किया तो आ गया 16 upon 5, 4 होल नंबर 1 upon 15 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 61 upon 15. ठीक है, अब अगेन यहाँ से फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे. क्यों, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन में आ गया. ठीक है, अब हम सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम. जब हमने एलसीएम लिया 5, 10, 15 का तो हमारे पास क्या नंबर आया, 5, 2, 3. हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम क्या आया, 30. सही, अब 30 हमने डिनोमिनेटर में लिया. अब हमने पेयर बनाए, 10 के टेबल में 30 किस नंबर पे आता है, 3 पे. तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 91 से, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया. 5 के टेबल में 30 किस नंबर पे आता है, 6. 6 हमने यहाँ लिखा, ये 16 यहाँ उतारा, फिर प्लस का साइन नीचे आ गया. 15 के टेबल में 30 किस नंबर पे आता है, 2 पे. तो ऊपर का 61 हमने उतारा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए. अब हमने 3 को जब 91 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 273. फिर प्लस का साइन आ गया, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96. प्लस का साइन 2 को 61 से मल्टीप्लाई किया तो 122. ठीक है, अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे. जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 491 और अपॉन 30 ऐसे. अब अगेन हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड. जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 31 = 30, माइनस किया 19, 1 नीचे उतारा, 36 = 180, माइनस किया तो क्या बचा, 11. ठीक है बेटा, अब आपका आंसर क्या आया, होल नंबर पे क्या गया आपका, 16. जो रिमाइंडर था 11 वो न्यूमरेटर, और ये नंबर आपका एज इट इज वापस आ गया डिनोमिनेटर पे. ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आप लोग को बताया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई और एफ. जी और एच
आप लोग करेंगे, ये आप लोग का टास्क है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई और जी, ये भी आप लोग का होमवर्क है। प्लस में मैंने आपको बता दिया था कि अगर माइनस के क्वेश्चंस हैं तो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी तरह होगा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएंगे, नंबर्स माइनस, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जी और एच और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई और जी, ठीक है बेटा। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।